न्यूज 18 पंजाब दे आज दे खास इंटरव्यू विच स्वागत है दर्शकों का। अज एक बेहद खास मेहमान दे नाल थोड़ी गलबात करान हाजिर होए हैं। अज साडे नाल हैगे ने भारतीय जनता पार्टी दे लीडर अते मैंबर पार्लियामेंट श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पंजाब। दर्शकों दस दिए भी जून का महीना हर साल पंजाब लई समूह सिख जगत लई बहुत महत्वपूर्ण है। एक दर्द भरिया महीना साबित हुंदा है क्योंकि 34 साल तो 1984 तो बाद तो साका नीला तारा ऑपरेशन ब्लू स्टार तो उस तो बाद सिख कतलेआम जो दिल्ली दे विच होया ये दो ऐसी घटनावां सन जिसने कि 1984 के बाद 34 साल दे विच हर साल जदों भी जून का महीना आंदा है उस वक्त समूह सिख जगत नूं सोचने लिए मजबूर किया है। अज भी क्योंकि असी समझ सकते हैं भी उस दो घटनावां साका नीला तारा ते सिख कतलेआम दे उत्ते कोई फाइनल क्लोजर नहीं हो पाया, इंसाफ ना दी कोई चीज़ नहीं मिल पाई ते समझ भी चाहे भी जिहड़े लोगों ने उस सारी चीज़ां कीतियां शायद उन्हां दे नाल उस तरीके का जस्टिस या इंसाफ जो होना चाहिए सी नहीं हो पाया ता ही सानू सोचना पैंदा ते उन्हां किरदारां इतिहास दे उन्हां किरदारां ते वापस मुड़ना पैंदा है चाहे वह संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले होन चाहे वह भारत की मरहूम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होन ते समझण दी कोशिश करनी पैंदी है भी कौन सही सी कौन गलत सी कौन हीरो सी कौन विलन सी। तो जदों भी इस पूरी एनालिसिस नूं करन दी कोशिश हुंदी है तो बहुत घट इहो जे लोग हैगे ने जो कि साडी मदद कर सकदे ने हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव दे विच पूरी गलबात ते पूरी जिहड़ी कड़ी नूं जोड़ के सिलसिलेवार ढंग नाल सही संदर्भ विच चीज़ नूं पेश करन दी। सुब्रमण्यम स्वामी साहब उही शख्स हैगे ने जिन्हां ने कि 1984 साका नीला तारा दे दो सब तो महत्वपूर्ण किरदार सरदार संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले अते श्रीमती इंदिरा गांधी दोवां नूं बहुत नेड़ता तो समझिया जाणिया ते दोवां दे किरदारां ते दोवां दी शख्सियतां दोवां दे नज़रियां तो नज़रिए तो बहुत चंगी तरह जाणू सन। यही कारण है कि इन्हां दे विचारां नूं एक बड़े वक्रे तरीके नाल लिया जांदा रहा है चाहे वह सिख जगत होवे चाहे फिर वह हिंदुआं वल्लों होवे। सुब्रमण्यम स्वामी जी तुसीं लगभग 5 वार मुलाकात हुई थोड़ी 5 दिन तुसीं लगातार एक बार 5 दिन हाँ पाँच कुल मिला के 5 भेंट हुई थी बट एक में सब एक एक दिन का होता था बट एक में एक बार मैं 5 दिन वहीं अकाल तख्त में ही संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला चाहते सन भी तुसीं उन्हां नाल थोड़ा लंबा पीरियड रहो क्योंकि तुसीं उन्हां नाल बहुत छोटी मुलाकातां हुंदियां सी सो ही वॉन्टेड यू टू स्टे मोर विद या हाँ जी जी एक बार उन्होंने वो भी अप्रैल में ब्लू स्टार तो जून में हुआ था तो ये मेरा अप्रैल में था इलस्ट्रेटेड वीकली में पूरा फोटो के साथ आर्टिकल भी आया था। तुसीं संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले नूं की मानदे हो क्योंकि अज एक वर्ग हैगा अज पोलराइजेशन हैगी है जे असीं व्यूज की गल करें नज़रिए दे विच एक पोलराइजेशन है कुछ लोग उन्हां नूं अतवादी मानते ने खाड़कू मानते ने कुछां लई उह संत ने कुछां लई उह सिपाही ने कुछां लई उह शहीद ने थोड़े नज़रिए संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला की ने। पहले तो मैं जो उनके साथ 5 दिन रहा मैं 2 दिन तो नानक निवास के बगल में एक है जहाँ लोंगेवाल भी रहते थे वहाँ रहा था फिर 3 दिन तो अकाल तख्त में ही रहा मैं उनकी प्रवचन में मैंने जाकर बैठकर सुना उनसे व्यक्तिगत बात लंबी बहुत हुई और फिर जिस तरीके से उन्होंने दूसरे लोग बड़ी भीड़ आती थी उनसे बात करते थे वो देखा। मैं कह सकता हूँ कि संत भिंडरांवाला को मैं संत कहता हूँ वो संत ही था पर 35 साल उम्र के थे और उनको गुस्सा जल्दी आता था और जब अन्याय देखते थे तो बहुत गुस्सा आता था। मुझे पता है कि एक बार मैं जब बैठा था तो एक लड़की दो रो कर आकर उनके पांव पर पड़ी और कहा कि दहेज में बहुत तंग किया जा रहा है तो उसने फिर अमरीक सिंह को कहा कि उस इनके पिताजी को बुला के लाओ। दूसरा दिन मैं जब उपस्थित था तो जो लड़का का माँ बाप थे वो आए थे तो उन्होंने कहा कि ये जो लड़की है जानते हो उन्होंने कहा जानते हैं ये तो मेरी बेटी है आपको दहेज चाहिए तो पॉकेट में उनकी जो वस्त्र था उसके पॉकेट हाथ डाला 10,000 रुपया लिया कहा कि ये पहला मैं दे रहा हूँ पहला पेमेंट दहेज का तो डर गए कहा नहीं 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 हमने कभी नहीं दहेज माना आगे भी नहीं मानोगे ना ये पंजाबी में कहा आगे भी नहीं मानोगे ना नहीं इसको छेड़ोगे नहीं ना नहीं मेरी लड़की है ध्यान रखोगे हाँ जाओ। ये लड़की हिंदू थी या सिख थी या सिख थी तो उसी उन्होंने संत मानते हो जी लेकिन लोग कहते सी भी
ਮਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਟਕੇ ਚੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਨਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਮੈਂ, ਇਹ ਘੜਾ ਕਹਾਂ ਹੈ ਜਬ ਪਰਚੀ ਡਾਲਤੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਸੀ ਉੜਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਕੋ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖੰਡਨ ਕਰੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਉਨਸੇ ਪੁੱਛਾ, ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗੇ? ਮੈਨੇ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ। ਤੋ ਯੇ ਕਿਉਂ ਚਲ ਗਈ ਇਤਨੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਵੋ ਦੇਨੇ ਕੇ ਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰ? ਉਨਕੋ ਰੋਕਨੇ ਬੋਲੀਏ, ਮੁਝੇ ਮਤ ਰੋਕਨੇ ਬੋਲੀਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦੀਜੀਏ ਮੈਨੇ ਜਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਢੂੰਡਾ, ਸਰਚ ਬਹੁਤ ਕੀਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਇਹ ਤੋ ਸਾਜਿਸ਼ ਥੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਸੋਵੀਟ ਰੂਸ ਕੀ। ਸੋਵੀਟ ਰੂਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਥਾ, ਔਰ ਵੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਔਰ ਉਨਕੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਮੈਨੇ ਦੂਰ ਸੋਚ ਜੋ ਥੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਬ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਅੜੰਗਾ ਜੋ ਹੋਈ ਗਈ ਥੀ ਵੋ ਤੋ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ, ਤੋ ਉਸਕਾ ਕਮਰ ਤੋੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸਿੱਖੋ ਨੇ ਯੇ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਦੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅਕਲ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਤੇ। ਕੋਈ ਹਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਕਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਂਗੇ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਮੇਂ ਜਬ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਥਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਥੇ, ISI, ਵੋ ਤੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣੇ ਕੀ ਇਸਮੇਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ ਥਾ ਹੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਆ ਕਿਸਕੇ ਲੀਏ? ਯੇ ਕਭੀ ਜੋ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਥੇ ਉਹ ਕੌਣ ਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੋਤੇ ਤੋ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਕਰਤੇ? ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੇਂ। ਕੌਣ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਟੇਟ, ਵਾਜ਼ ਇਟ ਸਟੇਟ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਵਾਜ਼ ਪਿਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਦ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਥਾ ਹੀ, ਤੋ ਇਸੇ ਲਈ ਝੂਠ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਸਚਨ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਫਰੇਮ ਯੋਰ ਆਨਸਰ। ਕੁਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ DIG ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਝੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਕਿਆ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 32 ਗੁਰਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਮੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਛਪ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਛਪ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਂ ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ ਇਹ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ। ਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਭਿਜਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭਿਜਵਾਇਆ, ਮੁਝੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਭਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੇ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਂ ਇਨਕੋ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਤਾ ਥਾ, ਤੋ ਉਹ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਜਬ ਪਹੁੰਚਾ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਵੋ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਥੇ ਛੱਤ ਮੇਂ, ਤੋ ਐਸੇ ਜਾਏ ਤੋ ਉਹਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੋ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ, ਮੁਝੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਆ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਂ ਤੁਮਨੇ ਕੀ ਥੀ ਉਸਕਾ ਮੈਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਨਾ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਤੋ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 32 ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਭੇਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਔਰ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 32 ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ, ਇੱਕ ਸਟੋਵ, ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਕਾ ਲੜਕਾ ਚਾਏ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਥਾ। ਕਹਾਂ ਗਈ ਵੋ ਪਾਸਪੋਰਟ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਾਂ ਗਈ ਵੋ ਕਰੰਸੀ? ਐਸਾ ਝੂਠ ਤੋ ਮੇਰੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਨਾ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਇਤਨੇ ਚੱਲ ਗਏ ਹੈ।
और ऐसे झूठ तो कांग्रेस तो प्रचार करते रहती थी, जैसे अभी आरएसएस के बारे पता लग गया कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सब जेल जाएंगे इसके लिए, झूठे आरोप लगाते रहे महात्मा गांधी की हत्या की, ये की वो की। तो हमारे देश में हमें सच, और एक हरकिशन सुरजीत था सपा सबसे टेढ़ा दिमाग का था, वो 10 बार सोवियत यूनियन को कहा और रशिया को कहा, माने जो आज की रशिया है जो सीमित सोवियत यूनियन है, उनको कहा कि इसकी धार्मिक प्रचार पंजाब में चल जाएगी। और मैं कहता हूं कि जो भी मैंने इनके प्रचार इनकी जो प्रवचन सुनी भिंडरांवाले के, हाँ, उसमें हफीम के खिलाफ बोले, लड़की की छेड़छाड़ के खिलाफ बोले और चरित्र के बारे बोले, ये कभी भारी नहीं आता था। उल्टा कहते थे वहाँ गर्भित होकर महिला पड़े हुए हैं बलात्कार में, हाँ। तो भिंडरांवाला गलत कितने सी तुसी तुनु उन्होंने गलत गलत की लगता है उन्होंने गलत ये कि ही वाज वेरी यंग, हाँ, 35 साल का था। ही वाज टेकन इन बाय द स्टेट एंड माइटी मशीनरी, वो जो प्लांट किया लोग वहाँ, वो सब RAW IB ऐसे लोग हैं जो इंदिरा गांधी के साथ थे, सोवियत रूस के लोग ऐसे लोग थे। और ज्यादातर जो हुआ, अब हत्या हुई वो जो अटवाल डीएजी थे, किसने किया, कभी जांच हुई है इसकी? अब उसके ब्लास्टर के बारे में तो बात तो करना चाहिए था, नहीं किया। ऐसे चीजों का जब आप ये कहना बहुत आसान होता है कि एजेंसियां करा रही हैं, लेकिन पॉइंट है कि मैंने कहा एजेंसी कराई है, मैंने कहा किसने कहा? कई वर्क कहते हैं, कई लोग कहते हैं जी एजेंसियां ने करवाया जी, संत भिंडरांवाले तक कभी भी दरबार साहब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह सकते सन अपनी लाइफ के, लेकिन फैक्ट इज दैट ही वॉज फोर्टिफाइंग दैट होल प्लेस। क्या फोर्टिफिकेशन थी? कोई भी पत्रकार जा सकता था, आ सकता था, किसी ने लिखा कि मेरा बंदूक वाले थे, मैं तो वहाँ ठहरा था, मैं तो जानता हूँ, वो तो जैसे पहले है। हाँ, सिख वैसे भी हथियार तलवार लेकर घूमते हैं। एक बार मैंने भिंडरांवालों को कहा था, संजी को, उसने कहा ये बीवी जी, इंदिरा गांधी को बीवी जी कहते थे, ये मुझे क्यों नहीं मिलती? तो मैंने फिर यहाँ आकर पूछा था, इंदिरा गांधी तैयार नहीं थी, मुझे लगता था उसका मन बन गया था कि सोवियत यूनियन नहीं छोड़ने वाली थी उसको, सोवियत यूनियन की इच्छा थी, सुरजीत हरकिशन सुरजीत की इच्छा थी। तो मैं आने जब वापस दोबारा गया तो उन्होंने पूछा बीवी जी की क्या आएगी बात करने के लिए या मैं जाऊँगा? इंदिरा गांधी, हाँ बीवी जी, हाँ इंदिरा गांधी। तो मैंने कहा कि वो आपसे मिल नहीं सकती क्योंकि वो कहती है तुम आप ये जो कार्ट्रिजेस की जो बेल्ट लगाई है, तलवार उठा रहे हो, हाँ ये सब देते, डरती है। तो कहते कैसी बात करते हो, वो यासिर अराफात आया पिस्तल साइड में था उसका गला लगा रही थी वो तो ज्ञानी जी ने बहुत प्रयास किया मुझसे, मुझे आप जब तुसी भिंडरांवाले दे नाल मिल रहे सी, तुसी 5 बार मिले, तुसी नाल 5 दिन वे थोड़ी कोशिश की सी, तुसी की करना चाह रहे सी, किस दे इशारे ते तुसी की अचीव करना चाह रहे सी? मैं तो कह रहा था कि जब भिंडरांवाले ने मुझसे कहा कि खालिस्तान मैंने नहीं मांगा, तो खालिस्तान का सवाल नहीं है, फिर क्या है गोल्डन एक्सप्रेस का एक ट्रेन चलाओ, गुरबाणी होनी चाहिए गुरबाणी। अभी सिखों का हम एहसान नहीं मान सकते हैं क्या? गुरु गोविंद सिंह होते तो मुगलों का कमर टूटता, इस देश मुक्त होता मुगलों से, गुरु गोविंद सिंह ने किया, और किसके लिए किया? हम लोगों के लिए किया। गुरु तेग बहादुर ने बलिदान क्यों हुए? वो तो सिखों के लिए नहीं, वो तो इसीलिए कि शुरुआत में जनेऊ का सवाल आया था, बाद में ये जो धर्म मुसलमान बनने की जो जिद थी औरंगजेब की, उसके हुआ क्या? उसने नहीं किया हमारी तो इतनी बड़ी कौम और हमारी फौज में है 20% है, 2% पॉपुलेशन 20% है, लड़ते मरते हैं, जो उन्होंने मंगा थी वैलिड लग रही है इस तरह द लॉजिकल डिमांड्स, उसमें क्या क्या थी? खालिस्तान वाज नॉट द फैक्टर, जो कि दिल्ली में यहाँ पे प्रोपेगेंडा था कि खालिस्तान और सेसेशनिस्ट एजेंडा है। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने तो सेटिस्फाई कर लिया, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, मैंने दुनिया देखा है। इमरजेंसी में यहाँ मैं पार्लियामेंट में आया गाया, यद्यपि मेरे नाम पर इंटरपोल नोटिस थी, तो मुझे तो जानकारी तो मिलती ही रहती है। तो पूरा मैं कह रहा हूँ कि खालिस्तान को सवाल नहीं था। अच्छा, आनंदपुर साहिब की रेजोल्यूशन थी, उसमें ऐसी बातें, उस पर डिस्कशन के लिए तैयार थे, वो कह रहे थे बातचीत करें,
और उनको पहले बड़ा किया गया, सोनिया इंदिरा गांधी ने विनय वाला को बड़ा किया पहले, फिर देखा कि वो कंट्रोल से बाहर है, फिर देखा जी कि सोवियत यूनियन कह रही है कि ये सारा रिलीजियस, जैसे आजकल बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं विदेशी, वैसे भिंडरांवाला को भी टारगेट किया था कि ये धार्मिक बना देगा तो फिर कम्युनिस्टों का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये झूठा खबर भेजता था हरकिशन सुरजीत कि कम्युनिस्ट का पकड़ अभी आ रही है, फैल गई है, ये है वो है, अब वो भिंडरांवाला रास्ते में। इंदिरा गांधी थे, आप वापस आइए, इंदिरा गांधी का भूमिका इस समझा जा रहा है, इंदिरा गांधी शायद ठीक है ये समझा गया भी ब्रिटेन दे विच फरवरी दे विच ही प्लान कर लिया गया सीगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, उदी कुछ ड्रेस रिहर्सल टाइप भी इत्थे हुई, लेकिन लोग अजे भी ये मानते ने भी इंदिरा गांधी नू मिसलीड किया गया या मिसगाइड किया गया इनटू कैरिंग आउट दिस आर्मी ऑपरेशन। इंदिरा गांधी सोवियत यूनियन की क्या मैं कहूँ दासी थी, माने उनकी बातों पर चलती थी, उनके कहने पर रहनी थी। ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਸੀਪੀਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੇਪਰਸ ਹੈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੇ ਉਸਕੋ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਕਹਾ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਮੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾ ਜੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ? ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਸੋਵੀਅਤ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਮੇ ਮਿਲੇ ਥੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਵੀਅਤ, ਉਸ ਵਕਤ 84 ਕੀ ਜਨਵਰੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਤੋ ਉਹਨੇ ਮੁਝੇ ਸੀਧਾ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕੋ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਇਸਮੇ ਜਾਤਾ ਹੈ? ਨੋ ਵੋ CIA ਕਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਵਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੇ, वहाँ से वो कम्युनिकेट करते हैं। मैंने कहा क्या कम्युनिकेट करते हैं, कोई साजिश? मैंने कहा मैं तो 5 दिन वहाँ रह कर आने वाले वहाँ हूँ और उस समय मैं बता दूंगा रिपोर्ट, पर तो कई बार मैं अकाल तख्त गया और भिंडरांवाला भी लेट स्टेज में ही अकाल तख्त गए थे, वो पहले वहाँ सराह में थे। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि नो, ये CIA का प्लॉट है, देश के खिलाफ है, आपको इस पर उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो उनका क्या दिलचस्पी है कि वो एक पार्टी में आकर मुझसे बात करें? तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि सोवियत रूस ने या रशिया ने इंदिरा गांधी को मिसगाइड किया, मिसलीड किया, परसुएड किया, कोएक्स किया इनटू डूइंग समथिंग विच वाज नॉट, और उनके लिए भी घातक साबित हुआ ना? ज्ञानी जैल सिंह उनके जो झाड़ू लगाने वाले आदमी थे, उन्होंने 10 बार कहा उनसे कि मत करो, मुझे पता है। ज्ञानी जैल सिंह को आइडिया था कि मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है, आर्मी ऑपरेशन? हाँ, मुझे कहा एक दिन अप्रैल से मैं जब आया था तो May 1st में कहा, मुझे बुलाकर कि मेरी तो बात नहीं सुनती, तुमसे थोड़ी डरती है इमरजेंसी के काल से, तो उसको जाकर समझाओ। वैसे उसके बेटा तो मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र हो गया था राजीव, तो मैं इंदिरा जी से अपॉइंटमेंट लिया और इंदिरा जी को मैंने कहा कि तुम सिखों का मंशा नहीं जानते हो, जो उधम सिंह का है या उनके जो वीर हैं, सबसे ज़्यादा तो काला पानी पार करके जेल में रखे गए तो सरदारी थे, तो ये क्यों कर रहे हो आप? तो मुझे इतना ही कहा उन्होंने, मुझसे नहीं मत बात करो, राजीव से बात करो। मैंने कहा राजीव तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। मेरी राय में सोवियत का हितैषी थी सोनिया गांधी, वो देरी थी, इसलिए वो राजीव गांधी से बात करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, वो सीधा तो नहीं कह सकती थी सोनिया से बात करो, क्योंकि मैंने सोनिया गांधी की कई भ्रष्टाचार पोल उस समय भी खोल दिया था पार्लियामेंट में। तो उन्होंने फिर कहा, राजीव से मेरी दोस्ती पता था, तो उन्होंने कहा उनसे बात करो, मैं नहीं करूँगा। अगस्त को 84 ब्लू स्टार होने के बाद मैं पार्लियामेंट के लोकसभा लॉबी से जा रहा था, तो मेरे सामने इंदिरा गांधी आ गए। उसने मुझे रोक कर कहा, तुमने सही कहा है, ये मेरे पीछे पड़े हैं, अब कुछ हो सकता है। ये माने कि सिख जो उस वक्त ब्लू स्टार हो चुका था, अब कुछ हो सकता है। मैंने कहा अब तो नहीं हो सकता, अब आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए, तो तब वो बदल सकते हैं, पर तो समझौता की बात कोई नहीं करेगा इस माहौल में। तो उसकी बात उसको समझ में आ गई कि उसको बुद्ध बनाया गया है।
ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਸ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਸ ਸੀ, ਬੀਇੰਗ ਵਟ ਐਵਰ ਟਰਬਲ ਯੂ ਹੈਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਫੋਰ ਹਰ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਯੂ ਵਰ ਵਨ ਪਰਸਨ ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਿਸ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਵੋਇਡਡ। ਵੈਸੇ ਇਤਨੀ ਜਲਨ ਥੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਗੇ ਹੋਏ ਥੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਲੋਕ ਲਗੇ ਹੋਏ ਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੇ ਹਟਾ ਚੁੱਕੇ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੈਂ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਥੇ, ਅਕਸਰ ਡੀ ਪੀ ਧਰ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਕੇ ਜੀ ਬੀ ਕਾ ਪੱਕਾ ਆਦਮੀ ਥਾ, ਇਹ ਤੀਨ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਥੇ, ਵੋ ਥੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਇਸਕੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਨਕੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਨਤੀ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਔਰ ਸਿੱਖੋ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀ, ਇਹ ਤੋ ਉਸਨੇ ਅੰਤ ਮੇਂ ਅਗਸਤ ਮੇਂ ਮੁਝੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ, ਗਲਤ ਕੀਆ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਮੁਝੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਇਹ ਉਨਮੇਂ ਡਰ ਥਾ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਥਾ? ਡਰ ਥਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਾ, ਅਫਸੋਸ ਤੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਭੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੀ ਥੀ, ਉਹ ਤੋ ਸਮਝਤੀ ਥੀ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਤੋ ਪਰੰਤੂ ਭਯੰਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸਸੇ ਹਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਕੋ ਬਧਾਈ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਜ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੋ ਹਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਬਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਪਰੰਤੂ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਜੈਸੇ ਅਪਾਰਟਹਾਈਡ ਮੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਮੇਂ ਵੀ ਹੈਡ ਦਿਸ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਕਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਮੇਂ ਹੁਆ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਸਿੱਖ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਇਹ 84 ਕੇ ਜੋ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਕੀਆ, ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਆ, ਦੰਗਾ ਹਾਂ, 84 ਮੇਂ ਦੰਗੇ ਅਕਟੋਬਰ, ਉਸਕਾ ਇਸਕੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਹਿਕਰ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਚਲਾ ਹੂੰ। ਮੈਨੇ ਉਨਕਾ ਜੋ ਵਕੀਲ ਥੇ ਫੁਲਕਾ, ਉਨਸੇ ਵੀ ਕਹਾ ਥਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਵਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਝੇ ਘੁਸਨੇ ਕੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲੇ, ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਮੇਂ ਤੋਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬਣੇ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸਕੋ ਉਸਮੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਗਾ। ਲੀਗਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਮੈਨੇ ਤੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਂ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਆ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਬੈਲਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਹੈ ਅਭੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਈ ਮੀਨ ਲਿਸਟ ਮੇਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਵ ਹੈਡ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਦਾ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੱਤਾ ਹੈ, ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਯਹੂਦੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਜੋ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅਨਿਆਇ RSS ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਈ, 3 ਬਾਰ ਬੈਨ ਹੋਈ, ਉਸਕਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਕੋ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਹੈ, ਹੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ ਹਮਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮੇਂ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਹਮ ਖਤਮ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਅਬ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਮੇਂ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੋ ਡਰ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਮਿਲਟਰੀ ਕਾ ਜੋ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਥਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਮੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਉਸਕੋ ਟੈਂਕ ਲਾਣਾ ਪੜਾ ਇਸੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੈਂਕ ਲਾ ਕਰ ਸਭ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿਆ। ਆਰਮੀ ਜਨਰਲਸ ਕੋ ਕਿਤਨਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਇਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਮੇਂ ਆਰਮੀ ਜਨਰਲਸ ਜੋ ਥੇ, ਜੈਸੇ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ,
उसको तो इंदिरा गांधी ने निकाल दिया, उसने वो उस समय इंचार्ज था पंजाब का, और उन्होंने रिपोर्ट दे दिया कि बेवकूफ भी मत करिए, ये तो सुलझा जा सकता है आसानी से, मिलिट्री करोगे तो ये सदा के लिए जख्म होगा। और वही हुआ, और वही हुआ, और उसको तो निकाल दिया। फिर वो हमारे साथ आए, हमारे पार्टी के साथ आए, तो अब वो फिर गवर्नर बन के, आई मीन जब इंडिया आई तो गवर्नर बने। जनरल सुंदर जी, जनरल वैद्या जो आर्मी चीफ थे, बुलबुल मैं सुंदर जी के बारे जानता हूँ, उन्होंने ये कहा था ये तो दो घंटे की, चार घंटे की बात है। दे आर ऑल पॉलिटिकल जो फियास्को था इन टर्म्स ऑफ दैट रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, क्या वो मिलिटरीली या आर्मी लेवल पे हैंडल हो सकता था? दो इट इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं, आर्मी लेवल में जो मंशा आपकी राजनीतिकों की दिखती है उसके अनुसार वो टेलर करते हैं। हाँ, क्योंकि प्रमोशन ये सारी चीजें इस पर निर्भर है। चापलूसी हमारे देश में अभी भी एक बीमारी है। लेकिन इस भिंडरा वालों को गिरफ्तार करने की बात होती, सिर्फ इतना, वो भी गलत होता, परंतु तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो हरमंदिर साहिब है उसमें पानी बिजली सब काट दो, सराउंड कर लो और कर्फ्यू लगा दो, वो तो उससे हो सकता था। बट आसान रास्ता तो था ये कि बातचीत करो, उसको बुलाओ, बात करो। बातचीत का रास्ता किसकी तरफ से बंद हुआ था? इंदिरा गांधी की तरफ से बंद हुआ। मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे उन्होंने कहा कि बातचीत कराओ, पहले जैल सिंह ने भी और इंदिरा जी का भी। हाँ, इंदिरा जी, जैल सिंह ने भी कहा मुझसे। सिर्फ बूटा सिंह कहते थे बच के रहो, ये सरदार लोग ऐसे हैं वैसे हैं। और वो पीसी सेठी था, वो होम मिनिस्टर, वो तो आधा पागल था इस बात पर। तो ऐसे लोग थे जो उसको भड़का रहे थे, बट ज़्यादा सोवियत माइंडेड लोग, कम्युनिस्ट लोग, कम्युनिस्टों का देख लीजिए, वो खालिस्तान मूवमेंट तो कम्युनिस्ट पार्टी ने 1944 में शुरू किया था। अब वो बुकलेट निकाला था, ये नाम तो उस समय दिया गया था, और ये हरकिशन सुरजीत भी लगा हुआ था। किसी तरीके से सरदार की जो राष्ट्रवादिता है उसको ख़त्म करना है। और हमारे लोग में भी, हिंदुओं में भी लोग पागल हो गए। मुझे तो रोज एडिटोरियल में गाली देते थे लाला जगत नारायण। लेकिन जो लाला जगत नारायण का आपने रेफरेंस दिया, जो हिंदू एक पोलराइजेशन हुआ, हिंदू डर गया था उस वक्त, पंजाब का हिंदू सीगा जड़ा डर गया सीगा। लेकिन थोड़ा लगता भी आज जो चीज खत्म हैगी, आप मानते हैं? क्योंकि आज अकाली दल बीजेपी एक सरकार रही है, तो काफी हद तक उससे सेंटीमेंट नहीं है। इतना नहीं जितना सुदर्शन जब सरसंघचालक थे, उन्होंने तो कदम ही उठाया था, उन पर विश्वास करके बहुत लोग आए थे। आज भी मैं कहता हूँ आरएसएस में, ये जब हिंदू राष्ट्र बात करते हैं हम, धर्म के दृष्टि से हम सिखों को हिंदू नहीं मानते, बट ये संस्कृति हमारी हमारी मिट्टी से ही आए हैं ना, और हमारी जो बातें कही हैं उसमें राम लक्ष्मण सब आपके ग्रंथ साहिब में है, गुरबाणी में सुन सकते हो। तो ये हमारे रिश्ते इनकी इतनी निकट है, इसको हमारे देश में एकता के लिए इनकी जरूरी है, ऐसा आरएसएस में बड़ा स्ट्रांग फीलिंग है। और कभी मुझे उस वक्त भी था 84 में भी था। मेरा आखिरी क्वेश्चन थोड़े तो सुब्रमण्यम स्वामी की लगता भी अपनी जड़ी भी तुसी भूमिका अदा की थी, तुसी रुख बदल सकते सी के जो कुछ होया, ते थोड़ा लास्ट पीस ऑफ एडवाइस टू भिंडरा वाले एंड टू इंदिरा गांधी की सी? इंदिरा गांधी को मैंने कहा कि आपके पास कोई भी जानकारी हो, लेकिन सिखों के साथ लड़ने के पहले 1000 बार सोच लीजिए, ये एक बार लड़ने के रास्ते में आ जाएंगे तो जान भी चले जाएं छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आपको थोड़ा भी डाउट है तो फिर दोबारा पूछ लीजिए। संत जी को मैंने कहा कि आपको खालिस्तान चाहिए तो पहले मुझे मारो, मैं सामने बैठा हूँ। तो हंसने लगे, वो पंजाबी में कहा कि कौन कहता है मैंने खालिस्तान मांगा है, आप लोग दे रहे हो, मैं कहता हूँ दे दो। तो मुझे तो इन सब का बिल्कुल साफ मैंने बात की थी, देश का टुकड़ा होने नहीं दूंगा। विदेशों में भी आज भी कहता हूँ, जब खालिस्तान में नहीं मानूंगा। अभी जो कनाडा ने किया, मैंने सबसे ज़्यादा कंडम किया, तो वहाँ के सिखों ने कहा कि आप बदल गए, मैंने कहा कौन सा बदला हूँ, मैंने कहा खालिस्तान तो मानूंगा नहीं। हाँ, पंजाब का नाम खालिस्तान रखने चाहते हो तो कुछ मुझे आपत्ति नहीं, परंतु अलग देश मैं नहीं मानूंगा। सिखों के बिना हम लड़ भी नहीं सकते, सिख हमारा बाजू है, सिख हमारा साहस है, उसको नहीं छोड़ सकते।
सिख हिंदुस्तान दा बाजू है, साहस है, यही कहना है सुब्रमण्यम स्वामी जी दा, जिन्होंने कि बहुत विस्तार नाल वो सारे घटनाक्रम ते उन्होंने मुख्य किरदारां दे नाल जो उन्हां दा राबता रहा उस बारे दिल खोल के गल्लां थोड़े नाल साडे नाल साझियां कीते। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, एंड वी होप कि जिहड़े भी लोगों ने खास करके जिहड़े सिख समुदाय सिख समाज के लोग हैगे ने वो इस शो नूं इस प्रसारण नूं वेख रहे ने, उन्हां नूं कई नवे परस्पैक्टिव इस पूरी गल्लबात तो मिलेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ां प्रोपेगंडे के रूप में पाए भावें वो इंडियन स्टेट वालों फैलाई गई या उस तो बाद के कई सालों के जिहड़े वक्खवादी अंसरां ने अपने मनसूबियां नूं पूरा करन लई फैलांदे आ रहे हैगे ने, वो सारा प्रोपेगेंडा हैगा। समझन की गल उही हैगी जो स्वामी साहब ने इशारा किया भी जी नैशनल इंटेग्रिटी है हिंदुस्तान की अखंडता है उस उत्ते कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, ज़्यादा अधिकारा ज़्यादा हकों हकूबा की जी गलबात है वो जरूर होनी चाहिए है, तो उस तो भी वध जी इन्होंने गल कही है उस वे न्याय की इंसाफ की गल जरूर होनी चाहिए है, जो कि 34 साल बाद अजे तक ना तो नीला तारा ऑपरेशन ना ही सिख कतलेआम के मामले हो पाया। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी साढ़े इस गलबात की।